हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेफ टेक्नो पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में कि कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम है क्या, उनमें डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होते हैं, उनका वायरिंग डायग्राम क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में एक एक करके बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, चलिए हम आपको बोर्ड पे समझाते हैं कि कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम का क्या फंक्शन है, वो वायरिंग डायग्राम क्या है, कैसे काम करती है। एक एक करके हम आपको कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में समझाते हैं। दोस्तों, सपोज ये फायर अलार्म पैनल है हमारा, ये हमारा कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे सपोज डिस्प्ले है, यहाँ पे सपोज दोस्तों ये यहाँ पे जोन वन कनेक्टर है। मान के चलिए हमारा पैनल दो जोन का है, वैसे दो जोन का होता है, चार जोन का होता है, आठ जोन का होता है, अलग अलग टाइप के कंट्रोल पैनल होते हैं। हम अभी दो जोन का पकड़ के चलते हैं। तो सपोज हमारा कंट्रोल पैनल दो जोन का है, तो ये जोन वन का कनेक्टर है यहाँ पर और यहाँ पर जोन टू का कनेक्टर है। और यहाँ पर दोस्तों सब एसी सप्लाई यहाँ पर है, यहाँ पर हमें एसी सप्लाई कनेक्ट करना है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हम यहाँ पर हमारा एक कनेक्टर होगा इसके लिए, रिपीटर के लिए, यहाँ पर हमारा कनेक्टर होगा रिपीटर के लिए। तो हम वायरिंग डायग्राम के बारे में सबसे पहले आपको बताते हैं कंट्रोल पैनल में, कन्वेंशनल कंट्रोल पैनल में वायरिंग डायग्राम क्या है, किस तरह से हम वायरिंग करते हैं उसमें। दोस्तों, क्या होता है हमारा इसमें डिवाइसेस कौन कौन सा लगता है, पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसमें कौन कौन सा डिवाइस कनेक्ट करते हैं हम लोग, फिर भी हम आपको एक बार फिर से इसमें बता देते हैं लिखकर, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि क्या क्या डिवाइस इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। पहला होता है दोस्तों स्मोक डिटेक्टर, दूसरा होता है हीट डिटेक्टर, आप हीट डिटेक्टर बोल सकते हैं, हीट सेंसर बोल सकते हैं, स्मोक डिटेक्टर बोल सकते हैं, स्मोक सेंसर बोल सकते हैं। और तीसरा होता है मैनुअल कॉल पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म में इसको एमसीपी भी बोलते हैं। तीसरा होता है मैनुअल कॉल पॉइंट। तो दोस्तों, ये डिवाइसेस कंट्रोल पैनल के साथ कैसे अटैच होते हैं, इन डिवाइसेस का काम क्या है, ये डिवाइस क्या काम करती है, ये हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये डिवाइस किस तरह से काम करती है। तो अभी हम आपको इनको कनेक्ट कैसे करते हैं कंट्रोल पैनल के साथ, इस बारे में हम आपको अभी इस वीडियो में बता रहे हैं। सपोज दोस्तों हमको 20 डिटेक्टर कनेक्ट करना है, जोन वन में हमको 20 डिटेक्टर कनेक्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, ये हमारा जोन वन से एक केबल निकलेगा, हमारा जोन वन से एक टू कोर का केबल निकलेगा, जोन वन से हमारा एक टू कोर का केबल निकलेगा। और यहां पर दोस्तों समझ लीजिए, यहां पर एक रूम है और इस रूम के बाहर या इस रूम के पास हमको एक एमसीपी कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम एक एमसीपी कनेक्ट करेंगे। सपोज ये दोस्तों ये गेट, ये दरवाजा है रूम का और इस दरवाजे के पास हमको एमसीपी कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने वायर लाया यहाँ से और हमने यहाँ पर एक एमसीपी कनेक्ट किया। उसके बाद दोस्तों हमको 20 डिटेक्टर अभी कनेक्ट करना है, 20 डिवाइस इसमें कनेक्ट करना है, जोन वन में हमें 20 डिवाइस कनेक्ट करना है। तो एक एक करके हम इसमें केबल को आगे बढ़ाते जाएंगे और डिवाइस को कनेक्ट करते जाएंगे। तो पहला हमने एमसीपी कनेक्ट किया, उसके बाद हम यहाँ से एमसीपी में केबल इन किया, अभी हमको इसके आगे और डिवाइसेस लगाने हैं, तो हम केबल को यहाँ से फिर आउट करेंगे,
आउट करेंगे। अब यहाँ पर पकड़ लीजिए, यहाँ पर एक रूम है या पैसेज है, कहीं भी है, हमको डिटेक्टर लगाना है। तो जिस एरिया में हमको डिटेक्टर लगाना है वहाँ तक हम केबल ले जाएंगे, केबल। फिर यहाँ पर हमको सपोज यहाँ पर एक स्मोक डिटेक्टर लगाना है, तो हमने यहाँ पर एक इस रूम में एक स्मोक डिटेक्टर लगा दिया, यहाँ से इन किया और फिर यहाँ से आउट किया। फिर आगे हमको और एक स्मोक डिटेक्टर लगाना है, तो फिर इस रूम में भी हमने एक स्मोक डिटेक्टर लगा दिया। फिर हमको अभी हीट डिटेक्टर लगाना है, तो फिर से हम केबल यहाँ से आउट करेंगे और सपोज यहाँ पर ये हीट डिटेक्टर वहाँ लगाते हैं जहाँ पर ज़्यादा संभावना होता है, हीट का ज़्यादा संभावना होता है, जैसे कि मीटर रूम हो गए, तो वहाँ पर हम हीट डिटेक्टर लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक रूम है, सपोज ये मीटर रूम है, यहाँ पर हमने हीट डिटेक्टर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर हमने हीट डिटेक्टर कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों जून वन में हमने एक एक करके डिवाइस कनेक्ट करते गए, केबल को आगे लेकर जाते गए, डिवाइस को कनेक्ट करते गए, केबल आगे लेकर बढ़ते गए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको सपोज एंड कर देना है, यहाँ पर हमको अब यहाँ इससे आगे हमको डिवाइस नहीं लगाना है, आगे और लगाना है तो और आगे केबल लेके जाएंगे। कम से कम 20 डिवाइस हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं एक जोन में, अगर 20 से ज़्यादा करेंगे तो हमारा डिवाइस, हमारा पैनल फॉल्ट शो करेगा। तो अभी हमने 4 डिवाइस कनेक्ट कर दिया, अभी हमको फुल स्टॉप करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों हमको ये लास्ट वाला जो डिवाइस हमने लगाया है, यहाँ पर लास्ट वाला जो भी डिवाइस लगाया हमने, स्मोक डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर, वहाँ पे हमको एंड ऑफ लाइन सर्किट एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमको एक EOL एंड ऑफ लाइन रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। नहीं तो अगर एंड ऑफ लाइन रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं तो कंट्रोल पैनल के अंदर ओपन फॉल्ट शो करेगा, इसलिए हम एंड ऑफ लाइन की हम लाइन एंड कर रहे हैं, इसलिए हमको एक एंड ऑफ लाइन यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर नहीं भी लगाया तो हम यहाँ पर कनेक्टर के पास यहाँ पर एंड ऑफ लाइन रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो वहाँ पर पैनल के अंदर ओपन फॉल्ट नहीं शो करेगा। फिर इसके बाद दोस्तों अभी हमको जोन टू में केबल कनेक्ट करना है। हम अभी जोन टू में हम चाहते हैं कि अभी जोन वन में हम सपोज जोन वन में 20 डिवाइस लग रहा है, अगर हमको 20 से ज़्यादा डिवाइस लगाना है, 50 लगाना है, तो हम क्या करेंगे, जोन वन में तो उतना डिवाइस लगा नहीं सकते, तो हम जोन टू में ट्राई करेंगे, जोन टू में डिवाइस, आगे का डिवाइस हम जोन टू में लगाएंगे। तो पकड़ लीजिए हम इधर के एरिया में हमने जोन वन का कनेक्शन इधर इस एरिया में कर दिया, बाकी अभी हमको दूसरे एरिया के लिए चाहिए, तो दूसरे एरिया के लिए फिर हम वैसा ही सेम जैसा केबल लिया वैसा सेम हम जोन टू से केबल लेंगे, और जिन रूम में हमको लगाना रहेगा डिटेक्टर, उन रूम में हम डिटेक्टर लगाएंगे या MCP लगाएंगे या हीट डिटेक्टर लगाएंगे, जहाँ जैसा लगाना होगा उस तरह से लगाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों एक हमें AC सप्लाई देना पड़ेगा, हमें बोर्ड से यहाँ से एक स्विच लगाकर यहाँ से एक केबल लेकर हमें AC सप्लाई पैनल को देना पड़ेगा 230 वोल्ट, तभी पैनल कंट्रोल पैनल चालू होगा, नहीं तो कंट्रोल पैनल चालू नहीं होगा। कंट्रोल पैनल चालू करने के बाद हमारे कनेक्टर से जोन के कनेक्टर से 24 वोल्ट सप्लाई आउट होती है, और वो 24 वोल्ट सप्लाई हमारे डिवाइसेस को चाहिए होता है। तो ये 24 वोल्ट सप्लाई DC सप्लाई पर ये डिवाइसेस चलती हैं। तो ये जोन ये कंट्रोल पैनल 230 वोल्ट सप्लाई अपने अंदर लेती है और 24 वोल्ट सप्लाई आउट करती है, तो 24 वोल्ट सप्लाई पर हमारा डिवाइस सब चलता है। और ये अभी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी हमारा ये डिवाइस सब चालू है कैसे हमें पता चलेगा, तो इनमें दोस्तों छोटा सा एक LED बल्ब लगा होता है सब डिवाइस में, स्मोक डिटेक्टर हो, हीट डिटेक्टर हो, MCP हो, छोटा सा एक LED बल्ब लगा होता है। तो वो जैसे ही हम कंट्रोल पैनल चालू करेंगे, सप्लाई देंगे कंट्रोल पैनल के अंदर और ये डिवाइसेस कनेक्ट रहेंगे, तो इन सबको 24 वोल्ट सप्लाई इस कंट्रोल पैनल के थ्रू जाएगा और इन सबको सप्लाई जाने के बाद ये सब ब्लिंक करेंगे, लाइट इनका जलने लगेगा, ब्लिंक करेंगे, थोड़ी थोड़ी जलेंगे रुकेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये डिवाइसेस चालू है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और होता है इसमें, अभी स्मोक डिटेक्टर हमने लगा दिया, MCP लगा दिया, हीट डिटेक्टर लगा दिया, अब करके चलिए कि ये रूम में आग लगा हुआ है, इस रूम में आग लगा तो धुआं निकला और धुआं गया स्मोक डिटेक्टर के अंदर, तो धुआं जाने से ये स्मोक डिटेक्टर क्या करेगी,
कंट्रोल पैनल को कमांड भेजेगी कि यहाँ पर इस जगह पर आग लगा हुआ है, इस जोन में आग लगी है। लोकेशन नहीं बताएगी, ये बताएगी कि ये जोन वन में, अभी ये जोन वन का है तो इस जोन वन में ये बताएगी कि जोन वन में कोई डिवाइस एक्टिव हुआ है। तो अब डिवाइस एक्टिव हुआ है तो कंट्रोल पैनल को तो पता है, लेकिन लोगों को तो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाँ कहीं पर आग लगा हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों पैनल के अंदर एक हूटर का पोर्ट दिया होता है, हूटर का पोर्ट दिया होता है, यहाँ से केबल लेते हैं हम लोग हूटर के लिए। तो हूटर हम फ्लोर्स पे, अगर बिल्डिंग है तो फ्लोर्स पे हूटर कनेक्ट करते हैं, ऑफिस है तो ऑफिस में जो एरिया हमें कनेक्ट करना है उन एरियाज में हम हूटर कनेक्ट करते हैं, ताकि लोगों को अगर फायर हो तो हूटर के जरिए लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले कि कुछ तो हुआ है, कुछ फायर हुआ है, डिवाइस एक्टिव हुआ है। तो जैसे ये स्मोक डिटेक्टर सेंस करेगा स्मोक, ये कंट्रोल पैनल को कमांड भेजेगी कि यहाँ पर जोन वन में कोई डिवाइस एक्टिव हुआ है। और ये कंट्रोल पैनल क्या करेगी, ये कंट्रोल पैनल हूटर को कमांड भेजेगी। सपोज हमने हूटर का केबल लिया है, हूटर का एक सिंगल केबल जाएगा और वो सिंगल केबल हूटर्स में जाके कनेक्ट होंगे। तो ये सिंगल केबल एक हूटर को गया, यहाँ से यहाँ पर एक हूटर लगा दिया, इस रूम के पास एक हूटर लगा दिया, इस रूम के पास एक हूटर लगा दिया। तो जैसे ही ये डिवाइस एक्टिव हुआ, कोई भी डिवाइस अगर एक्टिव हुआ, हूटर कॉमन होता है, तो कोई भी डिवाइस अगर एक्टिव होता है तो ये सारे हूटर्स बजने लगेंगे और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कहीं पर आग लगा हुआ है और लोग अवेयर हो जाएंगे इससे पहले कि कुछ दुर्घटना हो, लोग अवेयर हो जाएंगे, इसीलिए ये सिस्टम लगाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अभी अगले वीडियो में हम बात करेंगे एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।